कलर्स टीवी के सीरियल सिलसिला में कुणाल ने किसी तरह अपने और मौली के रिलेशनशिप को तो एक क्लोजर दे दिया, लेकिन उन्हें लगता है कि अब उन्हें नंदिनी के साथ अपने रिलेशनशिप की एक प्रॉपर शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए नंदिनी से वो कहते हैं कि वो उनके साथ एक डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। अब इस बात को सुन के नंदिनी दोनों खुश और एक्साइटेड हैं, एंड इसीलिए वो डिसाइड करी है कि आखिर इस स्पेशल डिनर डेट के लिए वो कौन सी साड़ी पहने जो उन पे सबसे ज्यादा जचेगी। इतना ही नहीं, इस डिनर डेट के लिए नंदिनी खुद अपने हाथों से पास्ता प्रिपेयर कर रही है कुणाल के लिए। साथ ही साथ कुणाल भी कुछ पीछे नहीं है, उन्होंने नंदिनी के लिए एक प्रॉपर रोमांटिक सेटअप सेट किया हुआ है उनके ही घर के टेरेस पे, जहां वो एक रिंग के साथ नंदिनी को प्रपोज करना चाहते हैं। अब अगर इतना प्यार है दोनों के बीच तो जरा प्यार का इजहार भी तो ढंग से हो। इसीलिए कुणाल ने ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। लेकिन इनकी प्लानिंग के बीच में प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इनके सेटअप की लाइट उड़ा देता है, यानी कि कोई फ्यूज को जानबूझकर ऑफ कर देता है और इन दोनों के रोमांटिक मोमेंट को स्पॉइल कर देता है। कुणाल जैसे ही वापस आते हैं वो नोटिस करते हैं कि नंदिनी थोड़ी सी टेंस है, लेकिन उनके पूछने पर भी नंदिनी उन्हें कोई जवाब नहीं देती। किसी तरह उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वो टॉपिक ही बदल देती है। फिलहाल के लिए तो नंदिनी ने भी कुणाल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी दी हुई रिंग अपने पास रख ली है। लेकिन अब देखना ये है कि जब ये बात राजदीप तक पहुंचेगी तो क्या बवाल क्रिएट करेंगे, और कहीं वो फोन कॉल राजदीप ने ही तो नहीं किया था जिसकी वजह से नंदिनी का मूड खराब था। अब इन सारे सवालों का जवाब तो आपको तभी मिलेगा जब आप देखेंगे इस शो को कलर्स टीवी पे, या अपने फोन पे वो ऐप डाउनलोड करके इसे अपने फोन पे देख लीजिए। लेकिन टेलीविजन की दुनिया की सारी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन सुधीर के साथ नियति तिवारी, एंटरटेनमेंट तड़का, मुंबई।